हेलो। देखो भाई, आज बना रही हूँ मैं पालक का साग। ये 2 कप पानी लिया था मैंने और 100 ग्राम करीब पालक है कटा हुआ। ये 2 आदमियों के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ, जिसे हम साग बोलते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी स्वादा अनुसार नमक। फिर इसमें डालेंगे हम स्वादा अनुसार मिर्ची पाउडर। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप डाल लेना हल्दी, और नहीं लगे तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैं डालती हूँ हल्दी, तो मैं ये थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं, स्वादानुसार है। ये हमारा पालक का साग बनने के लिए हमने, अब हम इसको एक किसी प्लेट या बर्तन से ढक देंगे। 15 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। 15 मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे। 15 मिनट बाद अब हम इसको खोल के देखते हैं। कुछ इस तरह का ये हमारा हो चुका है पालक का साग। अब हम इसमें ये बेसन का घोल बनाया है मैंने, इसको डालूंगी। ये पानी मैंने इसी में से लिया था, साग में से, और इसको डाल के हम इसको हिला देंगे। ये कुछ इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा गाढ़ापन और थोड़ा टेस्टी हो जाता है। ये मेरे पास बेसन था, मैंने इसलिए बेसन डाला है। अगर आपको बेसन पसंद ना हो तो आप इसमें बाजरे का आटा या फिर गेहूं का आटा या फिर कुछ दरदरा दलिया टाइप डाल सकते हैं, और भी टेस्ट बेहतर आ जाता है। मुझे ये पसंद है तो मैंने ये बनाया है, क्योंकि मैं ये शाम के समय में सिंपल 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ। और ये मैंने लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, और मैं इसको इसमें डालूँगी। ये कच्चा लहसुन है, आपको पसंद हो तो डालना, नहीं पसंद हो तो इसको तड़का में लगा के भी डाल सकते हैं आप, लेकिन इससे भी ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है। ये मेरी दादी का नुस्खा है, ये दादी बनाया करती थी मेरी, मैंने उन्हीं से सीखा है ये सिंपल सब्ज़ी बनाना। और मैं दूसरी वाली भी सब्ज़ी बनाती हूँ जो तड़का लगा के बनाई जाती है। ये मैंने थोड़ी हींग डाल दी इसमें। अगर आपको सिंपल सब्ज़ी पसंद हो तो ये बनाना, और अगर आपको वो पसंद हो तड़का वाली तो वो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी, उसमें से आप देख के बना लेना। ये हो गई हमारी साग रेडी, इसको बोलते हैं पालक का साग। थोड़ी देर के लिए इसे उबलने दूंगी मैं, ढक के रख देती हूँ 2 मिनट। 2 मिनट बाद ये सब्जी पक जाएगा, हमारा साग है जो, फिर इसको हम खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ।